हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ज़ारा यास एंड वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल ज़ाराज डेली लाइफ कुकिंग। सो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी बनाने जा रहे हैं, कैरी का शरबत या आप पन्ना कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है कैरी को अच्छे से वॉश करके और मैंने यहाँ मिट्टी की हांडी में जो है मैंने यहाँ पे इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। जब ये बॉईल हो जाएगी तो मैं इसको पील ऑफ करके इसको मैश कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारी जो है कैरी यहाँ पे बिल्कुल बॉईल हो चुकी है। अब मैं इसको पील ऑफ करके इसको अच्छे से मैश कर लूँगी, ठीक है, और फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने जो है पील ऑफ करके उसका बूदा बूदा निकाल के रख दिया है। तो यहाँ पे हम उसके ऊपर डेकोरेशन के लिए हम ये बना रहे हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चीनी ली है और थोड़ी सी मैं लाल मिर्च लूँगी और थोड़ा सा ही मैं काला नमक ऐड कर लूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और फिर हम अपने ग्लास में ऊपर इसके जो है डेकोरेशन के लिए इसको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारा जो है ये पल्प एक साथ निकाल के रख लिया। मैं इसको ग्राइंडर में जो है वो डाल दूँगी और थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और थोड़ा सा मैं इसमें हाफ़ टी स्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करूँगी और थोड़ा सा मैं जो है वो काला नमक और एक कप चीनी जो है मेजरिंग कप होता है उसका वो मैं यूज़ करूँगी। उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ पे ब्लाइंड करने के बाद इसका थोड़ा सा टेक्सचर इस तरीके से हो जाएगा, गाढ़ा गाढ़ा सा, थिक थिक सा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड कर दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलें अब हम इसकी सर्विंग पर आते हैं। फिर हम इसकी सर्विंग के लिए देखिए मैंने मिट्टी का एक जो है कटोरा टाइप का ले लिया है। इस पर मैंने लेमन ऊपर से जो है मैंने लगाया है चारों तरफ और इस तरीके से हम इसकी जो हमने डेकोरेशन के लिए ये मसाला बनाया था इस तरह कर लेंगे। तो मैंने थोड़ी खूबसूरती के लिए ये दो ये वाले मिट्टी के यूज़ करे हैं, दो ग्लास के, आपकी मर्ज़ी है आप सारे यूज़ करें या ग्लास का यूज़ करें। तो माशाल्लाह ये हमारा हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे आइस क्यूब ऐड कर दिया है और जो हमने बनाया था कैरी का पल्प और पानी डाल के तो उसको अच्छे से हमने बीट कर लिया था, चाहिए। और अब हम इसमें जो है वो पल्प ऐड करेंगे और ऊपर से हम थोड़े से मिंट लीफ यूज़ करेंगे और आप चाहें तो लेमन स्लाइस भी रख सकते हैं और ऊपर से इसका मसाला जो हमने बनाया था तो वो भी आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो आज की ये रेसिपी रेडी है। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त रिफ्रेशिंग ये ड्रिंक है और गर्मियों में स्पेशली ये लोग बहुत पीते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। आप लोग ख़ुद इसका लुक देख सकते हैं, आप लोग के घर में भी जो है बनता होगा। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और जो इसमें अजवाइन और ज़ीरे का टेस्ट है तो बहुत ही क्लास का वो है। तो अब मैं आपको यहाँ ग्लास के जो है शैम्पेन ग्लास में भी आपको सर्विंग करके दिखा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये ड्रिंक बनता है और बहुत ही खूबसूरत ये लगता है। आप लोग मेहमान हो, जब आपके गेस्ट वगैरह आए तो उनको भी आप लोग ये सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर आप लोग ये बनाइएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। और मेरे घर वालों को तो बहुत ही पसंद आया था। बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो एक टेस्ट आ रहा है अजवाइन और ज़ीरे का स्पेशली, वो बहुत ही यूनिक टेस्ट है। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को देखते रहिए। और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। और अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को देखते रहिए और मेरी रेसिपी को जो है आप लोग बनाते रहिए। मुझे बताइए आप लोगों को कैसे गया। इसी के साथ बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।